हेलो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन काइनेमेटिक टॉपिक का है। कहता है सारे के सारे ग्राफ्स कोशिश कर रहे हैं कि एक ही मोशन को समझा दें, है ना, इंटेंडेड टू रिप्रेजेंट वन मोशन। कहता है एक आदमी यहाँ पे गलत है, पिक इट अप। ओके, समझ के देखो। फर्स्ट ग्राफ में डिस्टेंस लिखा है और टाइम लिखा है, मतलब इसका स्लोप क्या होगा? स्पीड। आप कह सकते हो कि सर ये स्पीड जो है वो वेरिएबल होगी, वीटी ग्राफ है, थोड़ा ध्यान दो अच्छे से। वीटी का जो स्लोप है वो नेगेटिव दिया हुआ है, मतलब मैं कह देता हूँ वीटी का स्लोप एक्सेलरेशन होगा, और स्ट्रेट लाइन है, मतलब ये दो बातें अपने को क्लिक कर रही हैं। ये चीज़ अपन सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए लिखते हैं, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस वन बाय टू ऑफ ए टी स्क्वायर। और यहाँ देखो, वेलोसिटी है, पोजिशन है, एक एक पोजिशन के लिए दो दो वेलोसिटीज दे रखी हैं, एक प्लस वाली और एक माइनस वाली, मतलब यहाँ पे ये कहीं ना कहीं बैठ जाएगा। समझ में आ रही है बात बेटा? तो देखो, हमारे पास चार ग्राफ्स हैं, अगर थोड़ा बहुत भी इन सबको मिक्स करोगे या कंसोलिडेट करोगे तो आपको समझ में आएगा। इन चारों ने कोशिश की थी कि आपको प्रोजेक्टाइल मोशन सिखाएं, प्रोजेक्टाइल मोशन। दे वॉन्ट टू रिप्रेजेंट प्रोजेक्टाइल मोशन बिकॉज ऑन वाई एक्सिस, यहाँ पे अपन वाई का डायमेंशन लेते हैं और अपनी जरूरत के हिसाब से यहाँ पे एक्स या तो टी रख लेते हैं, एक्स या तो टी रख लेते हैं, ठीक है बेटा। और ये आप लोगों को इस तरह का एक मोशन समझाया जाता है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो कांस्टेंट होती है, लेकिन हाफ टाइम के पहले वेलोसिटी पॉजिटिव में बताई जाती है, जिसको मैं वाई के अलोंग बोलूंगा, और उसके बाद कहाँ बताई जाएगी? नेगेटिव में, जो हो जाएगी वी वाई, है ना। किसी इंस्टेंट की बात करें इसलिए वी लिख दिया मैंने, है ना। और ये हो जाएगा आपका एक्स का वेलोसिटी, और ये भी हो जाएगा एक्स का वेलोसिटी। आप समझ करके देखो चीजों को, पोजीशन के रिस्पेक्ट में, है ना। क्या समझ में आ रहा है इधर? पोजीशन के रिस्पेक्ट में ये ग्राफ है, और यहाँ पे देखो टाइम लिखा है और पोजीशन लिखा है। यहाँ पोजीशन और टाइम पढ़ोगे तो ये ग्राफ तो प्रोजेक्टाइल बता रहा है। सिमिलरली वेलोसिटी और टाइम भी लिखा है, तो देखो एक्सेलरेशन नेगेटिव का है और कॉन्स्टेंट का है। इसको अगर आप सिर्फ वाई एक्सिस पे पढ़ोगे तो क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन यहाँ पे माइनस जी हो जाएगा, जो दोनों बातें समझा रहा है, मतलब ये भी प्रोजेक्टाइल ही बता रहा है। इसको समझते हैं, किसी एक पोजीशन पे दो दो क्या मिल रही वेलोसिटीज हैं। तो आप देखो, अगर किसी एक वाई एक्सिस को आप अज्यूम करके चलते हो तो इस वेलोसिटी और इस वेलोसिटी, इन दोनों का एक सेम हाइट पर सेम मैग्नीट्यूड है, सिर्फ नेगेटिव और पॉजिटिव का फर्क है। तो आप कह सकते हो एक एक हाइट के लिए दो दो वेलोसिटीज हैं, और यहाँ भी देख सकते हो एक पोजीशन के लिए यहाँ पे दो दो वेलोसिटीज हैं। इसका मतलब क्या है? ये भी प्रोजेक्टाइल सिखा गया हमें, सिर्फ ये गड़बड़ कर रहा है। इसका मतलब क्या है? यही आपका आंसर होगा। इट इज नॉट रिप्रेजेंटिंग प्रोजेक्टाइल मोशन, ऑल ऑफ द ग्राफ आर रिप्रेजेंटिंग द सेम मोशन, और हमें ये प्रोजेक्टाइल मोशन से समझ में आ रहा है। हाईएस्ट पॉइंट पे अपन कहते हैं वी वाई का टर्म यहाँ पे जीरो हो जाएगा, फिर नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ देखोगे आप तो समझ में आएगा कि ये टाइम क्या हो जाएगा, टी नॉट, इसके बाद नेगेटिव में जाना ही जाना है उसको। एक्सेलरेशन आपका माइनस जी, समझ में आ ही रहा है। तो सब लोग एक ही बात बोल रहे हैं, प्रोजेक्टाइल, और ये नहीं कह रहा है, ठीक है। स्टूडेंट्स काइंडली लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल।